Hey guys, welcome to my kitchen. I'll be showing you a very simple, quick, easy, famous South Indian recipe. Many people asked me to make a desi recipe. So, hum ek basic wali chettinad banane wale. It's normally a complicated dish. I'm going to simplify it for you. Okay? So, I'll show you the ingredients first for the same. मैंने चिकन लिया है अराउंड हाफ अ के जी वन टमेटो वन अनियन फ्यू स्पाइसेस थोड़ा टर्मरिक पाउडर अराउंड वन टीस्पून 8-10 कड़ी पत्ता और करी लीव्स दिस इज योर चेटीनाड मसाला मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा अराउंड 1.5 to 2 स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर 1 कप कर्ड एंड दिस इज कोकोनट मिल्क मिक्स्ड विद लिटिल फुल फैट क्रीम टू गिव टेक्स्चर So this is around 1.5 cup. Namak around 2 teaspoons is what I would use. But you can use it as per taste. Thoda sa black pepper hum use karenge, just a pinch. Ginger garlic paste hai isme around 1 tablespoon. There is warm water that I have kept here, around 2 cups. Now the oil that we are going to use is different. Isme sesame oil hi jata hai. That is til ka tel. Your basic Indian til ka tel hi use hota hai chettinad mein. Uske saath now speciality about this masala. Generally this garam masala of chettinad aapko ready made milega market mein. Isko banana thoda difficult hai. Isme poppy padta hai. Poppy seeds yani khaskhas. Fir aapka cardamom. और सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इसमें जो जाता है दैट इज दिस इसको कहते हैं स्टोन फ्लावर दगड़ फूल या कल्पसी तो ये मैंने ऑलरेडी बनाया है मसाला इसका रेसिपी मैं लिख के रखूंगा बट अगर आपको नहीं बनाना है तो आपको रेडीमेड मिलता है ये गरम मसाला मैं चिकन को थोड़े देर मैरिनेट करूंगा जब तक हम अनियंस ब्राउन करते इन सम कर्ड आई एम जस्ट एडिंग कर्ड टू द चिकन नथिंग एल्स Salt नहीं कुछ नहीं दिस इज जस्ट टू सॉफ्ट इन द चिकन वी डोंट नीड टू प्ले अराउंड विद इट टू मच थोड़ा सा मैरिनेशन के लिए रख दिया इसको नाउ वी स्टार्ट ऑफ विद द हॉट ऑयल गरम तिल का तेल आई एम शोइंग यू वेरी सिंप्लीफाइड रेसिपी दिस मे नॉट बी द वेरी ट्रेडिशनल रेसिपी दिस इज माई वर्जन ऑफ चेटीनट इसमें सबसे पहले जाएगा योर कड़ी पत्ता इट्स गोना स्टार्ट स्प्लटरिंग सो बी केयरफुल Little split green chili. That is one chili for this entire chicken. That's more than enough. This will keep spluttering. So you quickly add in the onions. Now we have to let the onions brown up. एक बार ये जैसे brown हो जाते हैं थोड़े, then we start adding the chicken, the masalas, ginger garlic and the tomato. In between this we'll add spices. Spices मैंने starting में add नहीं किए हैं. अनियंस हम ज़्यादा देर ब्राउन करने वाले हैं तो स्पाइसेस विल एनीवेज रिलीज देयर फ्लेवर सो फॉर दिस हाफ के जी चिकन 500 ग्राम मैंने इसमें एक सिनेमन स्टिक वन और टू पेपरकॉर्न्स वन कार्डेमम या इलायची एंड वन बे लीफ बिग वन एंड वन स्मॉल पीस ऑफ बे लीफ आई पुट एंड वन क्लोव तो इतना ही काफ़ी है मोर देन दैट बिकम्स टू ओवर पावरिंग तो हम इतना ही रखेंगे स्पाइसेस को क्योंकि मसाला इज देयर योर रेड चिली इज देयर टर्मरिक इज देयर ये अनियंस बहुत अच्छे से ब्राउन हो गए हैं नाउ व्हाट वी आर गोना डू इज ऐड इन द चिकन ये डिश का जो मेजर इंग्रेडिएंट है That is one of the major ingredients. That is coconut. जो unfortunately मेरे पास नहीं था तो I am using coconut milk powder. पर अगर आपके पास fresh coconut हो उसका आप paste भी use कर सकते हो Quite similar. Doesn't really matter. अब हम इसमें add करेंगे हल्दी Because we want the हल्दी to cook with the meat. इसका प्रोसेस थोड़ा अलग है यू ऐड द स्पाइसेस लेटर बिकॉज यू डोंट वांट द स्पाइस पाउडर टू ओवर कुक अभी इसमें ऐड करेंगे थोड़ा जिंजर गार्लिक पेस्ट उसमें थोड़ा पानी मिलाया था मैंने सो दैट योर जिंजर गार्लिक डज नॉट गो टू वन साइड लेट दिस सिजल अभी इसमें हम ऐड करेंगे एक चम्मच चेटीनाड मसाला 1.5 स्पून
I think that should be enough. 1 spoon red chili powder, 1.5 कर देते हैं इसको भी. Salt little bit, 1/2 spoon. Chettinad has to be a little spicy. Tastes better that way. Wow, all this is coming together. बहुत अच्छी खुशबू है इसकी. Your onions will give the sweetness. Your chettinad masala will give the spice. Red chili powder will give the chili. अभी इसमें हम थोड़ा सा कोरिएंडर यूज करेंगे. Rest of it we will keep for garnish. Now we will add in the tomatoes. Tomatoes and onions आपका ग्रेवी का बेस बन जाते हैं. अभी इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको पकाएंगे एंड देन वील फिनिश इट ऑफ विद द कोकोनट मिल्क. प्रेफरेबली हॉट वाटर ही ऐड करना, अदरवाइज द चिकन गोज अ लिटिल चुई. सो अराउंड यूज ओनली 1.5 कप. आई हैव गॉट 2 कप्स इन हियर बट आई हैव यूज 1.5 कप, अदरवाइज इट विल गेट टू लिक्विडी. आई लाइक माई ग्रेवीज टू बी मीडियम थिक, एस्पेशली चेटीनाड, क्योंकि वील बी ईटिंग दिस विद नाइस अपम्स और यू कैन ईट इट ऑल्सो विद डोसा और स्टिकी राइस, बट अपम के साथ इसका मज़ा ही कुछ और आता है. ओके सो नाउ वी विल लेट दिस कुक. अभी इसमें हम ऐड करने वाले हैं योर कोकोनट मिल्क एंड फुल फैट क्रीम. बट नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट आई वॉन्ट टू शो यू इज, मैंने ये ऐड नहीं किया है बिकॉज मैंने इसको ऑलरेडी ग्राइंड करके मसाला बनाया था. एज आई मैंशन, ये जो चेटीनाड मसाला है दैट वी मेड बाय ग्राइंडिंग दिस फ्लावर अलॉन्ग विद पॉपी सीड्स, रेड चिली पाउडर, इसका मैं रेसिपी आई विल बी पुटिंग इट इन द लिंक डाउन बिलो, सो यू ऑल कैन चेक दैट ऑल्सो. नाउ वी विल ऐड लिटिल बिट ऑफ क्रीम एंड कोकोनट मिल्क. नाउ आई हैव टेकन 1.5 कप, यू डोंट नीड टू ऐड द होल थिंग. आई एम गोना ऐड अ लिटिल बिट बिकॉज अदरवाइज इट माइट गेट कोकोनटी, सो आई विल बी एडिंग अराउंड 1, 2, 3, 4, 5 to 6 spoons, that is around 60 ml odd. You can keep the rest or next time make a little lesser rather. Now I'm gonna let this reduce thoda sa and then adjust the salt. Putting a little salt, little black pepper from the top. जस्ट अ पिंच ब्लैक पेपर ऑलरेडी है मसाले में. सी द चेटीनाड मसाला इज डिफिकल्ट टू मेक, नॉट वेरी, बट यू गेट इट रेडीमेड ऑल्सो. तो फॉर पीपल हु वॉन्ट टू हैव दिस डिश, डोंट गेट इट आउटसाइड एंड यू गेट द रेडीमेड मसाला. सो इट्स बेटर टू मेक इट दिस वे एंड यूज द रेडीमेड मसाला. यू डोंट नीड टू ब्रेक योर हेड ओवर मेकिंग द गरम मसाला. नाउ वी आर गोना लेट इट रिड्यूस लिटिल बिट एंड देन प्लेट अप. This is actually a family meal, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा chopped coriander डालूँगा. It's a big pot meal. Little coconut milk for garnishing. Coconut milk mixed with cream, around 1.5 spoon. And your chettinad chicken is ready to serve, I think for 3 to 4 people. चलो मैं तो जा रहा हूँ इसको खाने. See you guys next time for a new video.